हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं सर विनय कुमार बिंद एंड वेलकम टू माय चैनल केम टू बाय विनय सर। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 हेलो एल्केन एंड हेलो इरीन का एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 19, जो कि कन्वर्जन से रिलेटेड है। और कन्वर्जन के जो क्वेश्चन होते हैं ज़्यादातर बच्चों को टफ लगते हैं, क्योंकि इस कन्वर्जन के क्वेश्चन करने के लिए पूरा चैप्टर क्लियर होना चाहिए। एटलीस्ट मेरी एडवाइस ये होगी कि एक्सरसाइज में या एनसीईआरटी में जितने भी कन्वर्जन है वो अगर एग्जाम में करके जा रहे हैं तो डेफिनेटली क्वेश्चन आपका बन जाएगा। चलिए देखते हैं। जो पहला कन्वर्जन है यहाँ पर क्या, प्रोपीन टू प्रोपेन वन ऑल दिया है। प्रोपीन टू प्रोपेन वन ऑल, तो प्रोपीन क्या होता है, तीन कार्बन के यहाँ पर एल्किन कंपाउंड होगा, सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, ये हुआ प्रोपीन। और हमें प्रोपेन ऑल बनाना है, तो सबसे पहले हमारी प्रियोरिटी है कि हमें इसको हेलो एल्किन में कन्वर्ट करना है। और उसके लिए आपने, अगर आपने एंटी मार्कोनिक रूल पढ़ा होगा, एंटी मार्कोनिक रूल में एच बी आर के साथ रिएक्शन कराते हैं इन पेरोक्साइड के प्रेजेंस में, यहाँ पर एंटी मार्कोनिक रूल लगाएंगे, होगा क्या, ये ब्रोमीन जो है वो जाएगा उस डबल बॉन्डेड कार्बन के पास जिसके पास हाइड्रोजन ज़्यादा है, और हाइड्रोजन चला जाएगा यहाँ पर, तो प्रोडक्ट क्या बनाएगा, सी एस थ्री और यहाँ से सी एच टू और सी एच टू बी आर, तो ब्रोमो प्रोपेन बनाएगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर ब्रोमीन के प्लेस पे ओ एच ग्रुप लाना है, तो एक ही रिएक्शन है, आप के ओ एच के साथ एक्वस मीडियम में रिएक्शन करा दीजिए, ठीक है। अगर आपने एल्कोहलिक लिया तो बीटा एलिमिनेशन हो जाएगा, हमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराना है, तो यहाँ से क्या करना है आपको, एक्वस के ओ एच के साथ ओ एच चला जाएगा यहाँ पर और बी आर आ जाएगा इसके पास, प्रोडक्ट जो बनने वाला है सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू ओ एच, ओके। और साइड में यहाँ से ए बी आर बाहर हो जाएगा, हमें प्रोपेनॉल चाहिए, तो ये आपका कन्वर्जन है। बहुत ईजी था, पहले हमने एंटी मार्कोनिक रूल लगाया, फिर के ओ एच के साथ एक्वस मीडियम में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा देंगे, तो आपका कन्वर्जन कंप्लीट हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट जो कन्वर्जन है दैट इज सेकेंड, इथेनॉल टू ब्यूट वन आयन बनाना, ठीक है, लेंदी कन्वर्जन है, थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस करके जाइए। सबसे पहले यहाँ पर जो स्टार्टिंग दिया है दैट इज इथेनॉल, इथेनॉल क्या होता है, सी एस थ्री सी एच टू ओ एच, ठीक है। अब इथेनॉल को अगर हमने रेड फॉस्फोरस और आयोडीन के साथ इसको रिएक्शन करा दिया, यहाँ से आपको मिलेगा आइडो इथेन सी एस थ्री सी एच टू आई, ठीक है, आइडो इथेन मिला। उसके बाद क्या करना है, इसका आप बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन करा दीजिए, और बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए एल्कोहलिक केओएच जरूरी है, तो यहाँ से क्या होगा, अल्फा से आयोडीन जाएगा और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन, यहाँ से माइनस एच आई निकलेगा, तो यहाँ से बना लेगा सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू इथिन, ओके। अब इथीन का अगर रिएक्शन आप सी सी एल फोर के प्रेजेंस में और बी आर टू के साथ करा दीजिए, ये सब रिएक्शन आप यूज में आए हैं, यहाँ से जो बनाएगा वो बनाएगा विसनल डाई कंपाउंड बनाएगा, विसनल डाई हैलाइड, और विसनल डाई हैलाइड मतलब सी एच टू सिंगल बॉन्ड सी एच टू और इनके पास दोनों कार्बन के पास एडजेसेंट पे ब्रोमीन आ जाएगा, इसको बोलेंगे वन टू डाई ब्रोमो इथेन या विसनल डाई ब्रोमाइड, ओके। अब यहाँ से आपको क्या कराना है, इसके बाद सोडामाइड से रिएक्शन करा दीजिए एन ए एन एच टू के साथ, एन ए एन एच टू के साथ कराएंगे तो ये एच बी आर दो मोल यहाँ से एच बी आर निकल जाएगा, और दो मोल निकलेगा तो यहाँ से जो कंपाउंड बनाएगा दैट इज इथाइन सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच, इसको बोलेंगे इथाइन। अब क्या करना है, इथाइन को फिर से आपको रिएक्शन कराना है सोडामाइड के साथ एन ए एन एच टू के साथ और लिक्विड अमोनिया में, अब यहाँ पर लिक्विड एन एच थ्री आप ले सकते हैं, लिक्विड अमोनिया के साथ जब रिएक्शन कराएंगे यहाँ से आपका कंपाउंड बनाएगा एन ए सी और ट्रिपल बॉन्ड फिर सी एन ए, एन ए प्लस है और ये माइनस है, एक सॉल्ट बनाएगा, और इस सॉल्ट को अगर आपने आइडो मीथेन के साथ एक्सेस अमाउंट में रिएक्शन कराएंगे तो दोनों सोडियम यहाँ से निकल जाएगा और सी एस थ्री सी एस थ्री से अटैच्ड हो जाएगा, तो फाइनली जो बनेगा आपका सी एस थ्री सिंगल बॉन्ड कार्बन फिर ट्रिपल बॉन्ड फिर यहाँ से सी एस थ्री, और इसी कंपाउंड का नाम है ब्यू टू आइन, एक्चुअल में यहाँ पर ब्यू टू आइन का प्रिपरेशन है, तो ये इस तरह से यहाँ पर फॉर्म होगा।
ओके नेक्स्ट बात करते हैं इसका जो थर्ड पार्ट है, 1 ब्रोमो प्रोपेन टू 2 ब्रोमो प्रोपेन आपको फॉर्म करना है। तो यहाँ से सबसे पहले देखिए ब्रोमो प्रोपेन, ब्रोमो प्रोपेन का मतलब CH3 CH2 और CH2 यहाँ से Br, ये है 1 ब्रोमो प्रोपेन का स्ट्रक्चर। सबसे पहला काम क्या है कि यहाँ पर एल्किन बनाएंगे, और एल्किन कैसे बनाएंगे, आप बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन करा दें अल्कोहलिक क्वेश में, यहाँ से 1 मोल HBr निकलेगा और अल्फा से ब्रोमीन और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन। तो यहाँ से प्रोडक्ट क्या बनेगा, अल्फा से ब्रोमीन और बीटा से हाइड्रोजन, तो यहाँ से आपका जो प्रोडक्ट बनेगा प्रोपेन CH फिर डबल बॉन्ड CH2, फिर यहाँ पर क्या करेगी HBr का रिएक्शन करा दीजिए। HBr का कराएंगे तो यहाँ से मार्को निको रूल अप्लाई होगा, तो जो नेगेटिव पार्ट है दैट मीन्स ब्रोमीन वो लेस डबल बॉन्डेड, कार्बन जिसके पास हाइड्रोजन कम है उससे जुड़ेगा और हाइड्रोजन इस वाले कार्बन से, तो प्रोडक्ट बनाएगा CH3CH और यहाँ पे ब्रोमीन और सिंगल बॉन्ड CH3, इसी का नाम है 2 ब्रोमो प्रोपेन। और अगर यहीं पर 1 ब्रोमो प्रोपेन बना तो यहाँ पर HBr और पैराऑक्साइड लोगे तो एंटी मार्कोनिको रूल लगेगा। नेक्स्ट इसका जो पार्ट है फोर्थ, टॉल्यूइन 2 बेंजाइल अल्कोहल। तो टॉल्यूइन क्या होता है कि बेंजीन के ऊपर CH3 ग्रुप को बोलते हैं टॉल्यूइन, ठीक है, इस कंपाउंड का नाम है। बेंजाइल अल्कोहल चाहिए, सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे आप क्लोरीनेशन करा दीजिए सनलाइट के वजह से, है ना, यहाँ पर क्लोरीनेशन जो होगा और कार्बन जो मिथाइल ग्रुप है वहाँ से एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होगा, ठीक है, वहाँ से आपका कंपाउंड बनाएगा CH2Cl, ठीक है, बेंजाइल क्लोराइड। और फिर यहाँ पर क्या करा दीजिए आप एक्वस KOH के साथ रिएक्शन, यानी कि अल्कोहलिक लेंगे तो एलिमिनेशन होगा, यहाँ पर एक्वस लेना होगा तो यहाँ से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फॉर्म होगा, और यहाँ से जो फाइनली प्रोडक्ट बनेगा आपको जो पूछा है बेंजाइल अल्कोहल वो फॉर्म हो जाएगा, है ना, बेंजीन यहाँ पर और यहाँ पर CH2OH, क्योंकि क्लोरीन चला जाएगा पोटेशियम के साथ और OH यहाँ पर आ जाएगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसी को बोलते हैं बेंजाइल अल्कोहल। फिफ्थ जो दिया बेंजीन 2 4 ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन, ठीक है, तो यहाँ से बेंजीन क्या होता है, बेंजीन आप सबको पता है साइक्लिक C6H6, सबसे पहले यहाँ पर ब्रोमिनेशन कराएंगे Br2 और फेरिक ब्रोमाइड के साथ, ठीक है, तो यहाँ से जो प्रोडक्ट बनाएगा दैट इज ब्रोमोबेंजीन, यहाँ से बनाया ब्रोमोबेंजीन, और उसके बाद क्या कराएंगे आप नाइट्रेशन करा दीजिए, ठीक है, नाइट्रेशन रिएक्शन आपने सुना होगा, इसमें रिएजेंट क्या लेते हैं कंसनट्रेटेड HNO3 और कंसनट्रेटेड H2SO4 इसमें हीट कर दीजिए, यहाँ से 2 प्रोडक्ट बनाते हैं अर्थो एंड पैरा दोनों बनाएगा, तो पैरा वाला जो होता है NO2 आ जाएगा, ये होता है मेजर प्रोडक्ट, आप ये भी रिएक्शन दिखा देंगे चलेगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर आपको पैरा चाहिए तो पैरा मेजर प्रोडक्ट होता है अर्थो पैरा में, आपका ये फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें 6 का बेंजाइल एल्कोहल 2 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड बोला है, ओके, तो बेंजाइल अल्कोहल, तो बेंजाइल अल्कोहल का अगर स्ट्रक्चर देखें तो बेंजाइल अल्कोहल क्या होता है बेंजीन और यहाँ पर CH2OH, इसको बोलते हैं बेंजाइल अल्कोहल। सबसे पहले यहाँ पर थायोनिल क्लोराइड SOCl2 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से HCl निकलेगा और SO2, तो फाइनली जो प्रोडक्ट बनाएगा वो आपका होगा बेंजाइल क्लोराइड मतलब CH2Cl, ओके, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उसके बाद यहाँ पर आप रिएक्शन करा दीजिए अल्कोहलिक KCN के साथ, अल्कोहलिक KCN के साथ, अल्कोहलिक KCN के साथ कराएंगे, यहाँ से बनाएगा CH2 और यहाँ से Cl, और उसके बाद इसका क्या करा दीजिए आप एसिडिक मीडियम मतलब H+ एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करा दीजिए, ये जो पूरा CN ग्रुप है इसको ऑक्सीडाइज कर देगा किसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप में, तो फाइनली आपका यहाँ से CH2 और COOH जो आपसे पूछ रहा है वो कंपाउंड आपका फॉर्म हो जाएगा। तो 7th जो पार्ट है इथेनॉल 2 प्रोपेन नाइट्राइल बनाना है, ठीक है, तो इथेनॉल क्या होता है देखिए CH3CH2OH ये है इथेनॉल, तो इथेनॉल को सबसे पहले हम क्या करते हैं आइडो इथेन में कन्वर्ट करते हैं, और आइडो इथेन में कन्वर्ट रेड फॉस्फोरस और आयोडीन के साथ रिएक्शन करा हीट कर देंगे, यहाँ से CH3CH2I बनाएगा, तो बोलेंगे आइडो इथेन, और उसके बाद आप क्या करा दीजिए अल्कोहलिक KCN के साथ रिएक्शन करा दीजिए, तो यहाँ से CH3CH2 और यहाँ से आ जाएगा CN, ठीक है, प्रोपेन नाइट्राइल।
नेक्स्ट जो है यहाँ पर एट पार्ट है एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन। एनिलीन क्या होता है, बेंजीन के ऊपर एन एच टू ग्रुप, ठीक है। और सबसे पहला काम क्या है कि इसको डाइजोनियम सॉल्ट बनाइए। सैंडमेयर रिएक्शन आपने पढ़ा होगा, यहाँ पर एन ए एन ए टू और एस सी एल लेते हैं और टेम्परेचर 273 से 278 केल्विन के बीच। यहाँ से जो कंपाउंड बनाता है उसको बोलते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, एन टू प्लस और सी एल माइनस, ओके। अब क्या करना है आपको, सैंडमेयर रिएक्शन करा दीजिए आपको, क्योंकि क्लोरोबेंजीन चाहिए तो सी यू सी एल और एच सी एल के साथ आप इसको रिएक्शन करा दीजिए, और इसी रिएक्शन को बोलते हैं सैंडमेयर रिएक्शन। और यहाँ से आपका प्रोडक्ट बना देगा क्लोरोबेंजीन और प्लस यहाँ से नाइट्रोजन गैस, ये आपका इसका कन्वर्जन हो गया। नेक्स्ट बात करें यहाँ पर अगर नाइन का, नाइन में क्या दिया, टू क्लोरोब्यूटेन टू थ्री फोर डाई इथाइल डाई मिथाइल हेक्सेन, ठीक है। तो यहाँ पर कन्वर्जन क्या होगा, देखिए यहाँ पर टू क्लोरोब्यूटेन दिया है ना, टू क्लोरोब्यूटेन का स्ट्रक्चर क्या होगा, सी एस थ्री सी एच टू और यहाँ पर फिर से सी एच और यहाँ पर एक आएगा क्लोरीन और यहाँ पर सी एस थ्री, इसी का नाम है टू क्लोरोब्यूटेन। अब क्या करा दीजिए, इसका आप उर्ज रिएक्शन करा दीजिए, है ना। तो उर्ज रिएक्शन में आपने अच्छे से पढ़ा होगा कि ये चीज़ दो मोल लेते हैं और सोडियम मेटल होगा और यहाँ पर ड्राई ईथर होता है रिएजेंट, है नेम रिएक्शन है। इसमें से क्या करना है आपको, डायरेक्ट प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा, ये यहाँ से निकालना है और यही ग्रुप दो बार यहाँ पर जोड़ देना है, फाइनली आपका जो कंपाउंड पूछ रहा है वही आपका बन जाएगा, ठीक है। क्या बन रहा है, हेक्सेन, दैट मीन्स यहाँ पर छः कार्बन बनेगा, छः कार्बन और यहाँ पर मिथाइल ग्रुप एक यहाँ पर आ जाएगा और एक यहाँ पर, बाकी टेट्रावेलेंसी कंप्लीट कर दिए तो आपका फाइनल प्रोडक्ट थ्री फोर डाई मिथाइल हेक्सेन फॉर्म हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट जो टेंथ पार्ट है, लिखा है टू मिथाइल वन प्रोपेन टू टू क्लोरो टू मिथाइल प्रोपेन आपको कन्वर्ट करना है। तो अगर मैं टू मिथाइल वन प्रोपीन का स्ट्रक्चर बात करूँ तो प्रोपीन क्या होता है, सी एस थ्री और कार्बन यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ से सी एच टू, प्रोपीन का मतलब यहाँ पर टू मिथाइल भी आना चाहिए, ये इसका स्ट्रक्चर हुआ। अब यहाँ पर आप क्या लगा दीजिए, एस सी एल के साथ रिएक्शन करा दीजिए और यहाँ पर मार्कोनिकोरोल, तो मार्कोनिकोरोल में क्लोरीन चला जाएगा यहाँ पर और हाइड्रोजन आ जाएगा यहाँ पर, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, सी एस थ्री यहाँ पे क्लोरीन यहाँ पे सी एस थ्री और यहाँ पर सी एस थ्री, यही आपसे प्रोडक्ट पूछ रहा है, ओके। टू क्लोरो टू मिथाइल प्रोपेन। नेक्स्ट जो इसका एलेवेंथ पार्ट है, एलेवेंथ में दिया है इथाइल क्लोराइड टू प्रोपेनोइक एसिड, इथाइल क्लोराइड टू प्रोपेनोइक एसिड। तो इथाइल क्लोराइड क्या होगा, कॉमन नेम दिया सी एस थ्री सी एच टू सी एल, इसका नाम इथाइल क्लोराइड और कार्बोक्सिलिक एसिड बना, सबसे पहले इसको नाइट्राइल में आपको कन्वर्ट करना है, एल्कोहलिक केसीएन के साथ करा देंगे तो सी एस थ्री सी एच टू और यहाँ पर आ जाएगा सी एल, और उसके बाद इसका हाइड्रोलिसिस करा दीजिए, ठीक है। हाइड्रोलिसिस एच प्लस और वाटर के प्लेस में सी एन के प्लेस में आ जाएगा सी डबल एच, सी एस थ्री सी एच टू सी डबल एच, जो आपसे पूछ रहा है प्रोपेनोइक एसिड फॉर्म हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट यहाँ पर जो ट्वेल्थ पार्ट है, ब्यूट वन इंटू एन ब्यूटाइल आयोडाइड, ठीक है। देखिए सबसे पहले आपको क्या कराना है, यहाँ पर ब्यूट वन इन दिया तो इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे सी एस थ्री सी एच टू और फिर यहाँ पर सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू। तो सबसे पहला काम है कि यहाँ पर एच बी आर के साथ और पैराऑक्साइड के प्रेजेंस में ए एम आर रूल लगा दीजिए, एंटी मार्कोनिकोरूल। एंटी मार्कोनिकोरूल के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बी आर उसके पास जाएगा जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन है उस डबल बॉन्डेड कार्बन से, और ये यहाँ पर तो बनेगा सी एच थ्री सी एच टू और यहाँ पर सी एच टू सी एच टू यहाँ से बी आर, ठीक है। तो ब्रोमो ब्यूटेन बनाएगा और उसके बाद यहाँ पर आपने अगर पढ़ा होगा फिंकलस्टीन रिएक्शन, जिसमें एन ए आई के साथ रिएक्शन करा देते थे, तो याद होगा ये नेम रिएक्शन है फिंकलस्टीन रिएक्शन। यहाँ पर हेलोजन एक्सचेंज मेथड यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ पर, तो फाइनली जो प्रोडक्ट बनाएगा सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू और सी एच टू आई, यही आपसे पूछ रहे हैं आइडो एन ब्यूटाइल आयोडो आयोडाइड, तो ये इसका कॉमन नेम है, तो इसका आईपीएसी नेम है हाइड्रो
ब्यूटेन। ओके तो देखते हैं 13 क्वेश्चन क्या दिया है। आपको दिया 2 क्लोरोप्रोपेन टू 1 प्रोपेनॉल, ठीक है। 2 क्लोरोप्रोपेन प्रोपेन इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे प्रोपेन, दैट मीन्स यहाँ पर 3 कार्बन का आपका कंपाउंड होगा और यहाँ पर क्लोरीन अटैच्ड है और यहाँ पर होगा CH3, इसका नाम है 2 क्लोरो प्रोपेन। तो सबसे पहला काम क्या है कि यहाँ पर आप एल्कोहलिक OH के साथ रिएक्शन करा दीजिए, ठीक है। एल्कोहलिक OH के साथ यहाँ से बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, अल्फा से क्लोरीन और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन, इनके बीच आ जाएगा डबल बॉन्ड। तो जो प्रोडक्ट बनेगा CH3CH और डबल बॉन्ड CH2 प्रोपीन बनेगा। और उसके बाद यहाँ पर क्या करा दीजिए आप HBr के साथ रिएक्शन और पेरोक्साइड के प्रेजेंस में, ठीक है। और आपने एल्किन देखा HBr पेरोक्साइड, दैट मीन्स यहाँ पर कौन सा रूल लगने वाला है, AMR रूल, ठीक है, एंटी मार्कोनिको रूल। तो Br चला जाएगा यहाँ पर और हाइड्रोजन चला जाएगा यहाँ पर, तो क्या बनाएगा CH3CH2 और CH2 यहाँ से Br ब्रोमोप्रोपेन। अभी हमें क्या बनाना है, एल्कोहल, यहाँ पर इस बार KOH के साथ रिएक्शन कराइए और एक्वस मीडियम में यहाँ से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, OH आ जाएगा Br के पास। फाइनल जो प्रोडक्ट बनाएगा वो होगा CH3CH2CH2 और OH, ये आपका फाइनल कन्वर्जन हो गया, ठीक है। सबसे पहले हमने बीटा एलिमिनेशन कराया, देन HBr पेरोक्साइड के प्रेजेंस में AMR रूल, एंटी मार्कोनिको रूल, और देन आप KOH को एक्वस मीडियम कराएंगे तो सब्स्टिट्यूशन से आपका फाइनल कन्वर्जन हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर फोर्थ जो दिया है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, है ना। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का स्ट्रक्चर क्या होता है, CH3 और CH, यहाँ पर आ जाएगा OH और ये है CH3। आइसो मतलब दूसरे कार्बन पे एक मिथाइल होगा, तो ये है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। अब यहाँ पर हमें आइडोफॉर्म बनाना, आइडोफॉर्म मतलब CH3। सबसे पहला काम क्या होगा, एल्डिहाइड चैप्टर में आप हेलोफॉर्म रिएक्शन पढ़ेंगे तो उसी का पार्ट है, 4 मोल आयोडीन और NaOH के साथ इसका रिएक्शन करा दीजिए। इस रिएक्शन को बोलते हैं हेलोफॉर्म रिएक्शन, हेलोफॉर्म में आयोडीन लिया, इसको बोलेंगे आइडोफॉर्म रिएक्शन। ओके यहाँ से पहला जो प्रोडक्ट बनाएगा फाइनली आपका बनाएगा CH3 जो कि आपसे पूछ रहा है आइडोफॉर्म, और प्लस इसके साथ आपका एक सॉल्ट देगा CH3COONa सोडियम एसिटेट सॉल्ट और यहाँ पर 5NaI, इसके अलावा 5 मोल H2O भी फॉर्म होगा। ये आपका हेलोफॉर्म रिएक्शन आप पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 में एल्डिहाइड कीटोन में। ओके तो इसी का नाम है आइडोफॉर्म CH3। ओके नेक्स्ट बात करते हैं 15, इसका जो पार्ट है क्लोरोबेंजीन टू पैरानाइट्रोफिनॉल। क्लोरोबेंजीन क्या होता है, बेंजीन के ऊपर क्लोरीन, है ना, क्लोरोबेंजीन। तो सबसे पहला काम है क्लोरोबेंजीन को आप पैरानाइट्रो क्लोरोबेंजीन बना लीजिए, यहाँ से क्या जाएगा नाइट्रेशन करा देंगे कंसनट्रेटेड HNO3 और कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ इसको हीट कर दीजिए और इसको बोलते हैं क्या, नाइट्रेशन। तो अर्थो एंड पैरा दोनों प्रोडक्ट बनेगा, बट जो पैरा है प्रोडक्ट बनता है वो आपका क्या है, मेजर प्रोडक्ट है, ठीक है, यहाँ से ये बनाएगा। उसके बाद यहाँ पर डो प्रोसेस करा दीजिए, आपने डो प्रोसेस पढ़ा होगा कि अगर हमने इसको NaOH के साथ रिएक्शन करा दिया, ठीक है, हीट करके एसिडिक मीडियम में, यहाँ से क्या होगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और यहाँ पर आ जाएगा OH और साइड में यहाँ पर पैरा पोजिशन पे नाइट्रो, और इसी कंपाउंड का नाम क्या है, पैरा नाइट्रोफिनॉल, ठीक है। ये रिएक्शन आपने देखा होगा 623 केल्विन पे क्लोरीन से क्लोरीन के प्लेस पे OH ग्रुप आ जाएगा। ओके चलिए 16 की बात करते हैं, 16 में 2 ब्रोमो प्रोपेन दिया है, 2 ब्रोमो प्रोपेन का स्ट्रक्चर क्या बनाएंगे, यहाँ पर 3 कार्बन का कंपाउंड होगा और बीच वाले कार्बन पे ब्रोमीन होगा और फिर यहाँ पर CH3, इस कंपाउंड का नाम है 2 ब्रोमो प्रोपेन। सबसे पहले क्या करना है आपको, एल्किन बनाना है और एल्किन बनाने के लिए एक ही है एल्कोहलिक KOH बीटा एलिमिनेशन, अल्फा यहाँ से ब्रोमीन और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन, इनके बीच बन जाएगा डबल बॉन्ड CH3CH, डबल बॉन्ड आ जाएगा CH2। ओके
और उसके बाद आप क्या करेंगे, हमें 1 ब्रोमो प्रोपेन बनाना है। यहाँ पर आपको फर्स्ट कार्बन पे ब्रोमीन लगाना है, तो HBr और पेरोक्साइड के प्रेजेंस में कौन सा रिएक्शन होगा, एंटी मार्कोनिकोरोल। और एंटी मार्कोनिकोरोल क्या बोलता है, Br चला जाएगा यहाँ पर और हाइड्रोजन इस कार्बन पे। फाइनली आपसे जो कंपाउंड पूछ रहा है CH3CH2CH2Br, यहाँ से आपको ब्रोमो प्रोपेन मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं जो 17th क्वेश्चन, क्लोरो इथेन टू ब्यूटेन। क्लोरो इथेन टू ब्यूटेन, यहाँ पर 2 कार्बन का एल्केन है, हेलो एल्केन है, उसे 4 कार्बन में कन्वर्ट करना है। सीधा सा यहाँ पर उर्ज रिएक्शन आने वाला है, तो CH3CH2Cl ये हो गया क्लोरो इथेन, 2 मोल ले लीजिए और इसको 2 मोल सोडियम एटम और ड्राई ईथर के साथ रिएक्शन करा दीजिए। और ड्राई ईथर सोडियम एटम हेलो एल्केन, सिंपल सा एक ही रिएक्शन है, उर्ज रिएक्शन। उर्ज रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से इसी का जस्ट डबल 2 कार्बन का हेलो एल्केन है, यहाँ से 4 कार्बन का आपको बन जाएगा सिमेट्रिकल प्रोडक्ट, इसी का नाम है ब्यूटेन। ठीक है, कन्वर्जन ईजी है, नेम रिएक्शन भी इसमें पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट है बेंजीन टू डाई फिनाइल, कई बार बोर्ड में पूछा हुआ है 2 नंबर में। तो 2 स्टेप में कन्वर्जन है। सबसे पहला काम क्या है कि जैसे आपके पास बेंजीन है ना, ये हुआ बेंजीन कंपाउंड। अब बेंजीन का बेंजीन का क्या करा दीजिए आप, ब्रोमीन के साथ रिएक्शन और फेरिक ब्रोमाइड ले लीजिए FeBr3। ये आपने पढ़ा होगा, यहाँ पर आपको बना देगा क्या, ब्रोमो बेंजीन। क्लोरो बेंजीन बना के भी प्रोडक्ट बना सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर क्या करा दीजिए आप, फिटिक रिएक्शन। फिटिक रिएक्शन में आपको याद होगा सोडियम मेटल ड्राई इथर होता है और ये 2 मोल लेते हैं। यहाँ से फाइनली जो आपका प्रोडक्ट बनाएगा वो बनाया देगा डाई फिनाइल, इसी का नाम है डाई फिनाइल। 2 स्टेप में सबसे पहले आप ब्रोमो बेंजीन बनाए, फिर यहाँ पर फिटिक रिएक्शन करा दीजिए। इस रिएक्शन का नाम है, नेम रिएक्शन है, दैट इज फिटिक रिएक्शन। 2 स्टेप में कई बार बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछ चुका है, आप क्लोरो बेंजीन बना के भी इसको कर सकते थे। 19th क्वेश्चन है, वो क्या दिया है, टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड। क्या दिया है, टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड का सबसे पहले अगर स्ट्रक्चर की बात करें, CH3 कार्बन है यहाँ पर CH3 और यहाँ पर आ जाएगा CH3 और टर्शरी कार्बन से ब्रोमीन अटैच करा दीजिए। ये स्ट्रक्चर हो गया टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होने वाला है। तो अल्फा से ब्रोमीन और किसी भी एक बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकाल दीजिए, इनके बीच डबल बॉन्ड। पहला जो प्रोडक्ट यहाँ से फॉर्म होगा वो बनेगा CH3, फिर कार्बन यहाँ पर CH3 और यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड CH2। इस कंपाउंड का नाम है 2-methyl propene। ओके, और उसके बाद आपको पहले कार्बन, डबल बॉन्डेड कार्बन से ब्रोमीन जोड़ना है, तो एक ही रिएक्शन यहाँ पर एंटी मार्कोनिकोरोल। तो एंटी मार्कोनिकोरोल HBr और पेरोक्साइड बहुत ज़रूरी है, इसके प्रेजेंस में AMR रूल होगा और ब्रोमीन चला जाएगा इस कार्बन के पास और हाइड्रोजन आ जाएगा इस कार्बन के पास। फाइनली जो प्रोडक्ट बनाएगा CH3CH, यहाँ से CH3 और फिर आएगा यहाँ से CH2Br, इसी कंपाउंड का नाम है आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। आइसो क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि 1, 2, 3 लास्ट है, सेकेंड कार्बन मिथाइल है, आइसो हुआ ब्यूटाइल, मतलब 4 कार्बन और ब्रोमाइड, ये कॉमन नेम दिया है। IUPAC नेम क्या होगा, 1-bromo-2-methyl propane। ठीक है, ये इसका कन्वर्जन हो गया। नेक्स्ट लास्ट जो इसका पार्ट है कन्वर्जन का, एनिलीन टू फिनाइल आइसोसाइनाइड। एनिलीन कंपाउंड क्या होता है कि बेंजीन को ऊपर NH2 ग्रुप, इस कंपाउंड को बोलते हैं एनिलीन। तो आइसोसाइनाइड यहाँ पर आपको फॉर्म करना है, क्या करा दीजिए आप, क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन CHCl3 और 3 मोल KOH के साथ, ठीक है, एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करा दीजिए। यहाँ से वॉर्म इसको थोड़ा सा करेंगे, यहाँ से आपका
आइसोसाइनाइड मतलब एनसी कंपाउंड ये बनाया, और इसी कंपाउंड को बोला जा रहा है फिनाइल आइसोसाइनाइड। और प्लस साइड में यहाँ से 3 मोल KCl और प्लस 3 मोल H2O। ओके, इसको आइसोसाइनाइड टेस्ट ट्यूब बोलते हैं, और ये अमाइंस चैप्टर में फेमस नेम रिएक्शन है, ये कई बार बोर्ड में पूछा हुआ है। ठीक है, ये टोटल हमने 20 जो कन्वर्जन थे इसमें अगर आप ध्यान से देखो, सबसे ज़्यादा इसमें जो यूज हुआ है मार्कोनिको रूल, एंटी मार्कोनिको रूल। ओके, ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, और ज़्यादातर इसमें नेम रिएक्शन भी 3-4 यूज किए, वुड्स रिएक्शन और बाकी कुछ अदर चैप्टर के भी हैं, इसीलिए कन्वर्जन को टफ मानते हैं। क्योंकि ये जो हमने पढ़ा लास्ट वाला, ये आपका एल्डिहाइड चैप्टर का, अमाइन चैप्टर का है, कार्बाइल अमाइन टेस्ट या आइसोसाइनाइड टेस्ट भी इसको बोलते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।